ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी हिंदी में, हिंदी में बात करना हमारा आदत नहीं है, तभी को प्रयास कर रहा है। तो ये श्रीमद्भागवतम है, इस बारे में एक चीज़ याद आता, मुझे श्रीमद्भागवतम बारे में बताया भक्ति विनोद स्वामी गुरु महाराज का, वो बात का जो गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परमाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, अगर दुनिया में जितना ग्रंथ है, जो कुछ विषय में भी हो, जितना लाइब्रेरी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, अगर सब जल जाए, भस्मीभूत हो जाए, कोई खतरा नहीं है, कोई अभाव नहीं है कुछ ज्ञान का, जो चीज़ हमारा आवश्यक है वो सब एक में ही है, वो क्या है, श्रीमद् भागवत। ऐसा चीज़ कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हमको जे हमारे काम में नहीं लगेगा, सब चीज़ हमारे काम में एकदम तो आवश्यक है। क्यों, इसमें लिखा है कि लोगों की कहानियों कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महा अंतर होती है। समस्त ब्रह्मांड के इतिहास, भगवान बोला, समस्त ब्रह्मांड का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं में से भरा हुआ है। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है, ये कोई कल्पना नहीं है। विदेशी आकर हमको सिखा दिया ये सब वेद वेदांत, रामायण महाभारत जो चीज़ है वो सागर में डाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है, जंजाल है। अभी देखा जाता जो टॉप साइंटिस्ट जो नासा का है, अमेरिका का, वो बताया, वो ऊपर से स्पुटनिक से कैमरा, बहुत पावर कैमरा देख रहा है, देखा एक ब्रिज है, एक सेतु है, वो लाखों लाखों बरस जब रामचंद्र था वो टाइम का, कौन बनाया, कोई बुद्धिमान आदमी बनाया, देखो इसका मतलब क्या, जो राम जी जो सेतु बनाया तो वो बता देता है, वो कोई बनाया था, वो राम जी बनाया था, हनुमान जी बनाया था, तो ये गप नहीं है, ये लोग हमको सिखाए, ये लोग आके विदेशी आके हमको देश शासन किया, राज किया, सिखा दिया, और सिखा दिया ये टेक्नोलॉजी करो, लेदर टेक्नोलॉजी, और कितना मैकेनिकल माइनिंग। बहुपात बोला ये क्या है, शास्त्र का दृष्टि में हाथुर बाटाली मिस्त्री चला था, और ये हाथुर बाटाली चलाता है, दूसरा मशीन चलाता है, ही फर्क है। ये चामार चाम का काम करता, ये डिग्री दे दिया स्कूल कॉलेज पढ़ के, मोटा महीना मिलता, लेकिन ये अब क्या है, चामार का काम करता, जिसके टेक्नोलॉजी थे, बड़ा डिग्री मिल गया, पैसा मिलता, ये लेदर टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता, चाम का काम करता। तो क्या है, मान लो क्या है, हम बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन हमको होना चाहिए मूची नहीं, सूची होना चाहिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण सस्ता से बनता नहीं, ये आसानी से बनता है, इसलिए प्रभुपाद ये सोसाइटी है। जब प्रभुपाद कोई को बोला देखो हम अमेरिका आया ये सीखने, अरे महाराज ये कर क्या कर गया, आप टेक्नोलॉजी इंडियन की जरूरत है, प्रभुपाद बोलो तुम किस लिए आया, इधर सीखेगा, ये सीख के देश में जाके घूमेगा, कोई नौकरी मिलेगा कि नहीं। और जो आदमी अपने खत लिखने नहीं सकता नहीं, अपने का साक्षर लिख नहीं सकता नहीं, हर महीना में करोड़ों करोड़ों रुपया कमाता, उसको पास जाके एक नौकरी दीजिए, ये करने आया तुम तो, हाँ हम इधर आया इसको सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, अब क्यों इधर आया, महाराज स्वामी जी भाई अब कम हियर, क्यों इधर आया, आप जो आपको शिक्षा क्या, आप हम लोग को शिक्षा देगा, चाहे गांधी जी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जितना बड़ा बड़ा आदमी है, नोबेल लॉरिएट इंडिया का,
प्रख्यात आदमी कोई इतना साहस नहीं है। बहुपात जो कहा, जब गया बहुपात की रिपोर्टर पूछा आप किस लिए इधर आया, हम आपको शिक्षा देने के। आप शिक्षा देगा मुझे? आपका इधर आदमी आता शिक्षा न के लिए, अरे हम लोग को शिक्षा क्या शिक्षा देगा? आप जो भूल गया है, तो क्या भूल गया? आप भगवान को भूल गया? नहीं, हमारा चर्च है, जाके देखो, चर्च में ताला बंद है, शहर में हजारों चर्च है, कोई नहीं जाता। हाँ जाता तो ठीक है, क्या करता जाके? बिंगो खेल रहा, जुआ खेल रहा। यही कलिजुग का प्रभाव है, इसलिए सीखना चाहिए। क्या सीखा? भगवान का तुम अपने भूल गया तो चुप हो गया। तो लेकिन यहाँ भी ये चीज़ आ रहा है, टेलीविजन देख रहा, इंटरनेट में देख रहा, तब भी जो भारत में जन्म नहीं है उसको भाग्यशाली कहा। गोबर बोला सबसे भाग्यशाली है जो भारत में जन्म लिया, कि भारत में से ही एक दिन आसानी से कोई सीख नहीं सकता। भूपत कहा तुम जो कोई है बाहर का आदमी, 6 महीना रहो, रह के तुमका वैराग भाव आ जाएगा। जनयती आंसू वैराग गांव वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित हो। हरिकथा सुनने से भक्त संग, भक्तों का संगत करने से शुद्ध भक्त का, और हरि भजन हरिनाम हरिकथा सुनना, पाप काम छोड़ दो, प्रसाद लो, बस और कुछ नहीं। हमारा अभी तो इसको मैं सबका ही रुचि है, आपके सबको रुचि है कि नहीं? प्रसाद सबको अच्छा लगता कि नहीं? हाँ तो इतना तक हमारा आसक्ति जहाँ आसक्ति हमारा गोती वैसा ही हो। देखिए भरत महाराज का क्या हुआ, वो हिरण में आसक्त हो गया था, है कि नहीं? हाँ, तो अगले जन्म में क्या हुआ, हिरण बन गया। अगर हम लोग भगवान को पास जाने चाहता तो इसलिए बाबा ने कहा था, साधन करो भजन करो मरते जान ले है, मरने का टाइम में आप क्या भजन किया, हरि नाम किया, हरि कथा सुना, पता चल जाएगा किस किस्म का। इसलिए क्या करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत ने बताया, सुश्रुषुश्रद्धानश्च वासुदेवे कथा रुचि। सुश्रुषु भगवान का कथा शुद्ध भक्तों के पास से सुनने के लिए आग्रहशील होना चाहिए, बहुत ध्यान दे के सुनना चाहिए। सुशुशु श्रद्धा धानस, श्रद्धा श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, वो श्रद्धा है। क्योंकि भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान है तत्व, भगवत तत्व, जीव तत्व, कर्म, प्रकृति, काल, ये सब भगवान बताया, ये सब सुनना चाहिए। तो ये भगवान कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्व ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं है भगवान जन्म लिया हमारा माफी नहीं दिखाता है, सर अलग है। इसमें से आसक्ति डालना चाहिए, हमारा आसक्ति अभी शरीर में है, अनित्य वस्तु में। भगवान कहा शास्त्र में कहा जाए असतो माम, जो अनित्य चीज आए उसमें आसक्ति दुख का कारण है, दुख का कारण। इसके भगवान का है ये संसार दुखशालयम अशाश्वतम, जितना अच्छा बाड़ी गाड़ी अच्छा संसार फैमिली बनाया लेकिन यही दुख, आखिर दुख ही मिलेगा जो संस्पर्श जा भोगा, दुख को जो ना ये बते अंत मंत आदि अंत मंत कौन थिया न तेसु नमते बुधा भावो समन्विता, जो बुधा है उसमें आसक्त होता नहीं, लेकिन 99% आदमी इसमें आसक्त है। 99% आदमी है विषय भोग में आसक्त है, दुनिया का रूप, दुनिया का रस, बास रूप रस शब्द गंध बास स्पर्श, इसमें सब आसक्त है, इसके संसार कहा जाता। इसलिए कहा विषय छारिया कबे सूत हवे माना कबे हम हेरब
श्री वृंदावन। पैसा दे के टिकट खरीद के कोई वृंदावन जाता, वृंदावन उपलब्ध नहीं होता, भगवान का दर्शन नहीं आते। इतना तक होता आप मूर्ति को देखा, आपका कनिष्ठ अधिकार है, उतना तक इससे ज्यादा। लेकिन ये कहा था कि क्या कहा इधर है, महाभाग, ये महाभाग्यवान है। कौन महाभगवान है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, ये भक्तों का शिरोमणि है, श्रेष्ठ भक्त है, परमहंस। भगवत कहा, एक सोसाइटी है, सबको सबसे पहले सतगुण संपन्न होना चाहिए। क्या? सुबह उठना, सज्जता करके सूर्य उदय के पहले करके स्नान करना, मंगल आरती आना, हरि नाम करना, हरि कथा सुनना, पाप काम छोड़ के करना चाहिए। अगर हर रोज सुनते सुनते, जो रोगी है उसका तो मिस्त्री अच्छा लगेगा, जिसको जॉन्डिस बीमारी है, तो हम लोग भी ऐसे ही है, बीमारी हमारा है। तो चैतन्य महाप्रभु का एने चियो सोधी माया, जो भगवान को भुला देता, विस्तृत कर देता, उसका दावा है। क्या दावा है? नासी बारो लागे हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागे। हरि नाम महामंत्र जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसका से पास से लीजिए, ना मायावादी के पास से, ना कर्मी का पास से, ना ज्ञानी का पास से, ना जोगी का पास से, नहीं। वो तो कृष्ण जी को भगवान मानता नहीं, वो तो ये भी माया है। सब त्याग दो, सब त्याग दो, सब त्याग दो। ब्रह्म संत जगत मिथ्या, सब त्याग दो, त्याग करो, त्याग करो। कृष्ण बीज भी त्याग कर दो, कृष्ण भी त्याग कर दो। तो क्या लेके लाया? वो बोलते नहीं सही सकता। ब्रह्म संत जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, मिथ्या है, सब माया है। नहीं नहीं, माया नहीं। भगवान का जो है रूप है, भगवान का दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला, ये सब में आसक्ति हमको डालना चाहिए। इसको भक्ति कहा जाता है। इसलिए हर रोज सिन्नतांग सकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हिदंतस्तु अभद्राणी विधुनति सुहितांग शतांग प्रसंगम मम बीज संगीत। ये भगवान का कथा जो है, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण धाम, कृष्ण प्रधान, ये सब दिव्य है, अप्राकृत है। इसमें आसक्ति डालना, अभी आसक्ति होता नहीं। क्यों? दूसरा चीज में हमारा आसक्ति है, इसको भव रोग कहाँ जाता है, इसे रोग है। जो रोगी है जॉन्डिस हुआ, उसका दावा है, उसका दावा है रॉक कैंडी, मिश्री, मिस्टी कहता है मिश्री, रॉक कैंडी मिस्टी है। उसे दावा दे जाए, मुंह पे डालने से मीठा लगता नहीं। अभी कोई बाहर का आदमी का इधर आइए, हरे कृष्ण बोलिए, अच्छा लगता नहीं। दूसरा कुछ, बम्बई का गाना, हाँ अच्छा लगता, रोगी है, बम्बई का गाना में आसक्ति है, नेक्स्ट लाइफ में बॉम्बे में जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा, क्या शरीर प्राप्त का, कोई नहीं कहेगा। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ की बर्ड, पक्षी, हाँ चिड़िया, वही नहीं कह सकता। कारण गुण संघर्ष सदसत जन्म जोनिशु, जिसका संगत किया जैसा गुण का, अभी ऐसा है पेड़ बन क्या है, या तमोगुण में आसक्त होता है। तमोगुण का लक्षण है, पेड़ बन गया तमोगुण, पत्थर तमोगुण। रजोगुण बहुत काम करता है, ऐसा बहुत है, मांकी भी है, बहुत बिजी है, लेकिन लक्षण क्या है, अभी इंद्रियो शुभ करना, ये बहुत कामुक है। जो ऐसा आदमी है हर दिन में कई दफे संभोग करने जा, ठीक है, ने अगले जन्म इसमें आ सकता है, ठीक है, भगवान देख रहा, भगवान देख के कहा था प्रकृति को, माया अध्यक्षे न प्रकृति श्वते सचरा चरम। 84 लाख किस्म का जीव जोनी है, क्यों इतना वैचित्र है, क्यों? जैसा जैसा भावना, असली भावना होना चाहिए, कृष्ण भावना। इसलिए प्रभुपाद बहुत का संत लोग, प्रभुपाद शिष्य लोग, ये कृष्ण भावना के मंदिर बना, उसका कृष्ण कथा सुनना चाहिए हर रोज, नित्यं भागवत सेवा,
हर रोज, नहीं एक दिन सुना, दस दिन नहीं सुने, तब आसक्त नहीं। अभी चावल खाते खाते उड़ीसा, बंगाल, इंडोनेशिया, नहीं चावल है तो खाएगा नहीं, क्यों? आसक्ति है कि नहीं? अब आपको हर रोज रोटी देगा, आप खाएगा क्यों? आसक्ति है। तो हर रोज सुनते सुनते वो मिस्टिक लेते लेते उसका दावा है, उसका अच्छा लगता नहीं। जो आदमी का बीमारी नहीं आए उसको मिस्टी दे दो, कैसा टेस्ट किया? अच्छा है, अच्छा, बहुत मीठा है, उसको मिल, क्यों? उसका बीमारी है। इस तरह सब आदमी का बीमारी है, बबरोगो ग्रस्त है। उसको चिकन दो, हाँ हाँ चलो चलो, मंडा मिठाई दो, हाँ मंडा पीठा, अरे मंडा पीठा भगवान का प्रसाद ना, ये इस्कॉन है, समोसा कचौरी रसगुल्ला, इस्कॉन इसलिए पिज्जा पास्ता, भगवान को भोग चढ़ा दे, अभी रेस्टोरेंट बना दे, सब आ गया। खाते खाते दाढ़ी वाला है बांग्लादेश में, अभी वो भी खा रहा, एक दिन जो अमृत चीज खाता था मांस सब छोड़ दे, फिर हरे कृष्ण बोलते रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मुल्ला का लड़का, 600 साल का मुल्ला परिवार का, उनका लड़का लड़की या अभी हरे कृष्ण कर रहा, वो कहता हरे तुम क्या करता है जी? वो छोड़ेगा नहीं, क्यों? प्रसाद खाया, हरे नाम क्या आनंद मिल रहा, और दूसरा चीज करके कुछ नहीं होता, जो अभी पेपर में निकल रहा वो जाता नहीं। अभी देखो आप कोई बांग्लादेश में आएगा अब देखेगा, ऐसा हमारा रेस्टोरेंट है बहुत ऐसा आता, एक दिन ऐसा हो जाएगा इसको काट के इधर से निकालेगा किचन कर ले रहा है। ऐसे इंडोनेशिया भी है, हम जाता लाखों आदमी आता, अभी जगन्नाथ जी को देखा, हमारा जगन्नाथ का रथ बड़ा बड़ा 12-13-14 साल में अभी चालू कर दिया, लाखों आदमी आके देख रहा, प्रसाद ले रहा, जय जगन्नाथ नृत्य कर रहा। अगर हमारा टाइम मिलता तो फिल्म दिखा देता, क्या मुस्लिम औरत आदमी नृत्य कर रहा, हाँ जगन्नाथ का रथ कर देखो। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, बोला भविष्यवाणी क्या, पृथ्वी त्याचियत नवराधि राम सब प्रचार हो गए मोर नाम। तो महाप्रभु जय कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ, तो जगन्नाथ बहुत चालू कर दो हर जगह में, जगन्नाथ का रथ और हजारों लाखों आदमी देख रहा, और एक प्रसाद छीन के ले लेता, एक देता वो चार पास ले लेता, देखो ये भी मूर्ति भी बना दिया, एक खेल खेल का चीज़ है ये बनाए, देखा था हाथ उठा के, एक मुंडित मस्तक, एक है बच्चा ब्रह्मचारी ये नृत्य कर रहा हाथ, ये भी एक खेल का खेलना बनाया, ऐसा देखा था हम पार्क में देखा, ये कौन है? हरे कृष्ण वाला है, देखा था ये सीखा इसको ऐसा ऐसा करता कुछ खेल रहा है ऐसा देखा था, क्या है देखता नहीं पार्क में कौन लोग आता, आज के प्रसाद बांट रहा हम लोग प्रसाद बांटता हूँ, हजारों हजार वहाँ आइलैंड है जो मुख्य आइलैंड है, तो हम लोग प्रसाद बांटता रथ यात्रा करता किताब भी बांटता, लेकिन ये इसका फेत अलग है ये अल्लाह हु अकबर करता था पहले 500 साल पहले, ये पीछे ये सब हिंदू था, ये सब लोग ये सब बन गया, फिर उसको अच्छा लगता कि महाप्रभु जो कहा तो होगा ही होगा ही होगा। तो प्रभुपाद कहाँ, इसलिए हमको चाहिए उत्साह निश्चय धैर्यात, धीरे 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 होगा, लेकिन करना चाहिए। चैतन्य महापुरुष बोला क्रमे क्रमे पाए से भव सिंधु, असली भक्ति अभी तो विधि भक्ति है, जो हमारा राग है भय है क्रोध है संत लोग के सबसे मुक्त होता है। तथा रजस्तमो भावा काम लोभा तरस्त, ये रजगुण तमोगुण के ही प्रभाव है, काम लोभ ये सब है, ये तो नरक का गति प्राप्त करा देता हमको, काम क्रोध लोभ नरक में ले जाता, तो ऐसे मुक्त हो जाता है। ये रजगुण तमोगुण से मुक्त होके है सतोगुण, सतोगुण का पर विशुद्ध सत्य से, ये असली भगवत धाम है, ये भगवान विशुद्ध सत्य का मूर्ति कहा जाता है, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम न क्या कहा जाता,
ना, तो इसमें आना चाहिए हमको धीरे धीरे। तत रजस्तम भावा काम अभुभत, इसलिए शताम प्रसंगम, जो संत है, शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद है, और जो कोई उनका शिष्य है, उनका शताम प्रसंगम प्रकृष्ट संग, उनका पास से हरिकथा सुनना। मम बीज संगीत, हरिकथा का बहुत बीजवती है भगवान का कथा, भगवान जैसे है भगवान का नाम भी वैसा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा क्या, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सर्वशक्ति दिया, तत्तार्पिता नियमित शरणेन काल एतादृशी तब कृपा, भगवान इतना कृपालु है, महाबदन है, सबसे बड़ा दान चैतन्य महाप्रभु दिया। तो कलियुग में दाल रोटी के लिए आदमी कितना मेहनत कर रहा, लेकिन भगवान टाइम मिलता नहीं हरि भजन करने का, ठीक है हरि नाम करते रहो, कीर्तनीय सदा हरि। अनन्य चेता सौतम जो माम सरित नित्य सर, कैसे याद आएगा हरि नाम करने से, सभ्यता सुनना चाहिए। सो इसलिए कहा तत्सुनु, बहुत जगह में ऐसा कहा शास्त्र में तत्सुनु, हमेशा सुनना चाहिए। जो उन्नत भक्त है उनके पास, जब महाराज परीक्षित किसको चुन लिया, ना सुखदेव गोस्वामी परमहंस कुल चूड़ामणि है, उनको पास से सब पूछ रहा, तो जैसा अच्छा भक्त हो, जो 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 सुनने वाला भी योग्यता संपन्न होना चाहिए, यही नहीं सुनने गया दूसरा कि घर का बारे में सोच रहा और बैठा है तो भागवत कथा चल रहा। ऐसे कहानी बताता महाराज गौर गोविंद महाराज, हाँ ये हमको अच्छा लगा। कोई है एक यंग लड़की है, शादी किया और क्या 16-20 साल का लड़की, और क्या 60-70 साल का उसका भी सास भी है। तो लड़की ने कहा, हाँ बहू ने कहा, मैया क्या कहता मैया सास को, हाँ क्या कहता, तो ये दूसरा एक गांव में हरि कथा चालू है भागवत सप्ताह, चलिए उधर जाए, ठीक है बहू चलो। जाने लगा, वहाँ सुन रहा एक जगह में कहा, आनंद में बोलो हरि हरि, हरि करी में भव पार, जब हरि नाम कर रहा तो आनंद में करना चाहिए, ये नहीं हर की प्रसाद खाने मजा आता हरि कर, क्योंकि बहुत रोगों ग्रस्त है नहीं, शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। बता दिया वो लड़की, तो उसका विश्वास है यार लड़की है नहीं, तभी शुरू कर दिया हरे कृष्ण करने लगा, भवो पारी कर देगा। भवो का मतलब क्या है, ये संसार भूता भूता पड़िया दे, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम जातस ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित। लेकिन आन शान बात कर रहा हर आदमी, यहाँ क्या गति होगा, जैसा मेढक है, मेढक वाक वाक वाक, इसका मतलब क्या है, वो सांप को बुला रहा, नाक को बुला रहा, नाक क्या है उसको मृत्यु, मूर्तिमय मृत्यु है, उसको खा लेगा। ये दुनिया का आदमी को ही हाल है, हरि कथा सुनता नहीं ना हरि नाम करता, हरि नाम करो ना ना, आई एम ए डिस्को डांसर, तो डिस्को डांस करते कोई घर में गया, क्या है पिक्चर, ये तो जगन्नाथ नहीं कृष्ण क्या है, वहाँ इसको पहचानता नहीं ना, कभी सुना नहीं ना, इंडोनेशिया भी हमको पूछा ये कभी सुना नहीं, तो ये कौन है, अरे इसको नाम नहीं सुना, आप इंडियन है नहीं, तो ये कौन है, अरे हर इंडियन पहचानता, दुनिया भर आदमी हमारे देश का सब आदमी पहचानता, कैसे सिनेमा देखता, हम तो सिनेमा जाता नहीं, तो क्या है अकबर में तो देखता नहीं, हम उतना अकबर देखता नहीं, कभी कभी देख लेता, ये कौन है शाहरुख खान, अरे शाहरुख खान ने भी सुना कभी, अरे शाहरुख खान सुना नहीं, ये फेमस आदमी है, तो हम सुना ये फिल्म स्टार है, तो क्या होगा अगले जन्म में वो शायद मुंबई में हाँ फिल्म स्टार बनेगा कि उसके साथ काम करेगा क्या, और क्या ये क्या है, घर में हम दुर्गापुर स्टील प्लांट जैसा रोरकेला है वहाँ गया एक हरि कथा में जाकर, तो रात को फिर आ गया वापस लौटा, क्या घर में है कोई मामा मामी का घर में, महाराज रहो ये आपका लिए घर है, ये क्या है, कहा कृष्ण जी है जगन्नाथ राधा कृष्ण ने
सीताराम, नहीं नहीं ये एक घर लड़का, उनका लड़का है घर, तो लड़का का लगता है हीरो ही है, है? ये कौन है हीरो, कौन है महाराज, आप इसको पहचानता नहीं, नहीं कभी सुना नहीं, देखा भी नहीं, ये कौन है, अरे वर्ल्ड फेमस आदमी है, प्रणाम तो कभी नहीं सुना, देखा इमरान खान वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर कैप्टन, आप सुना नहीं, और कोई जगन्नाथ का फोटो नहीं, राधा कृष्ण, लेकिन क्या है, तो हिंदू है इस तरह का ना, ये बेटा का घर है आपका लिए, आप मामी हमको कह दिया महाराज को रह, ये लड़का का, उसका लड़का रहता, हाँ इसका देखो हीरो है, इसलिए बोला वो बात, बोला ये दुनिया में जो इंद्रियो भोग करने सकता जितना ज़्यादा वो ये दुनिया का हीरो है, और जो इंद्रियो संयम किया भगवान का सेवा में, सब इंद्रियों को लगा दिया भगवान का सेवा में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मलम, ओ शुद्ध है, ओ परम ब्रह्म परम पवित्रम परम परम ब्रह्म परम पवित्र जो भगवान जगन्नाथ है, कृष्ण जी आए भगवान उसको सेवा स्वीकार कर, नहीं सबका सेवा नहीं थी, जे शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोहनी मुक्ता भजनते माम धीर होता, उसको बात सुनिए, नहीं सुनता दारू पीता क्या हनुम जल होता, कान सुना लाखों आदमी आ जाते सुन, ऐसा होता कृष्णा ताली लगाता सब, अरे दारू पीते इसका तो भक्ति होगा, ये भजन कर रहा कभी नहीं, देखो अभी प्रभुपाद का गाना सुन के दुनिया भर लाख आदमी, ये कोई दुनिया का बड़ा बड़ा आदमी इंद्रिय संयम कर नहीं सकता, नहीं, कृष्ण रूप कृष्ण नाम कृष्ण रूप कृष्ण गुण कृष्ण लीला कृष्ण प्रसाद कृष्ण भक्त सेवा कृष्ण सेवा, इसमें सब रूप रस गंध स्पर्श सब चीज भगवान का सेवा में लगा दो, आपका जो इंद्रिय है ते भक्त है, शुद्ध भक्त हो जाएगा, इसको अच्छा लगेगा हरि कथा सुनना, देखिए दूसरा आदमी के एक मिनट बैठ के चल गया, रहे नहीं ये सिनेमा का बात नहीं है, नायक नायिका नहीं है, जो ये सब कुछ नहीं, वो भाग जाता, क्यों उसको अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता, इसलिए चैतन्य महापूर्व गोस्वामी ने कहा देखो भक्ति ऐसा चीज है, क्या चीज़ है, देख कोई एक आदमी है वो तो शादी किया और पत्नी उसको अच्छे तरह सेवा करता, क्यों उसको जैसे उसके पति ना समझने से उसको एक आसक्ति है, पहले उसको एक बॉयफ्रेंड था, उसको आज सोचता हमेशा पिता जो बॉयफ्रेंड के साथ शादी नहीं दिया, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छा लगता, हाँ तो उसको सोच रहा कब उसको साथ हम मिलेगा, ये सोचता था, ये आसक्ति बहुत गहरा होता है कि नहीं, हैं जो पति नहीं है दूसरा एक लड़का में आसक्ति है एक औरत को तो बहुत गहरा होता, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा हमको करना चाहिए, हमेशा भगवान को सेवा में निमग्न रहना, मन हमेशा अनन्य चेता सौतम जो माम सरती नित्य सौ, भगवान की याद कैसे आएगा, हमेशा हरि कथा सुनना उसका कीर्तन करना तो याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, धीरे धीरे करते 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 आसक्ति आ जाएगा, कैसे आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, आगे बढ़ेगा अर्थ निवृत्ति तो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, निष्ठा का मतलब निरंतर फिक्स्ड आप जीवो, हर रोज मंगल आरती हर रोज हरि कथा हर रोज हरि नाम हर रोज प्रसाद खाना हर रोज भक्त संग दूसरा का संग नहीं, हाँ निष्ठा तब रुचि पैदा होता, अगर प्रसाद खाया तो दूसरा चीज सब छोड़ दिया, ये रुचि है, क्या है ये निरामिष है, निरामिष ठीक है, नहीं बाबा ये प्रसाद है, जगन्नाथ का प्रसाद राधा कृष्ण प्रसाद है लक्ष्मीनारायण सीताराम का नहीं, ये हरि कथा है नहीं, दूसरा नहीं बाबा, हर रोज कितना लिटरेचर है आदमी लोग की पढ़ रहा तो क्या गति होगा, फिर वहाँ ही आ जाएगा पढ़ने के लिए, ये कोई पादरी कोई कैला खनी में गया उसको भक्त बनाने के लिए सब चीज़ बोला तो बोला ये मॉडर्न सब भगवत धाम जाएगा ठीक है लेकिन सब चीज़ करेगा जो बोला, अगर
वहाँ जाके हमारा जो लिटरेचर है, जर्नल, पत्रिका सब है नहीं, तब नहीं हम जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? आसक्ति है। तो अगर वो आसक्ति कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला है सुनते सुनते आसक्ति आ जाए। इसलिए बोला साधु साधु पदे पदे। हम क्या बोला इसमें, इसलिए टाइम लग रहा। बहुत बात बोला, ये भक्ति कर रहा, भक्ति गौर गोविंद महाराज कहाँ, ये सब किंडर गार्डन का भक्त है क्या? है हम भक्त, हम नहीं बॉडी है, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये तो शुरू है, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो हम क्या है ना, हम अहम ब्रह्मोस्मि, हम चित्कर है, भगवान परम चेतन है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम ईश्वर सर्व, क्या कहा जय ईश्वर सर्वभूत ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह। हमारा शरीर है असत अचित निरानंदमय, भगवान का शरीर है सत नित्य चिन्मय आनंदमय। जब तक नहीं हमारा शरीर ऐसा होगा तब तक भगवत धाम कभी नहीं जाने सकता। इसलिए सब चीज़ को चिदानंदमय, सब चीज़ को कृष्ण भावनामय करना चाहिए। करते करते एक दिन अगर हमारा ये नहीं हुआ तो क्या अपराध नहीं है तो कर रहा, तो भगवान के पूरा आसक्ति हो जाए, निश्चित भगवान धाम चला जाएगा। यही हमारा लक्ष्य है, गो बैक टू गॉड हेड। इसलिए वी हैव टू बी कम्प्लीटली, भगवान पूर्ण है, भक्तिदान ठाकुर कहा पूर्ण भगवान में आसक्ति डालना चाहिए। जब तक नहीं है, ये भूत भी आसक्ति दुनिया में है, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह जो है, तो भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। लगाने से वो भी ठीक हो जाता है, भगवान की सेवा लगाने से। क्रोध भक्त देशी जन, काम कृष्ण सेवा में भी लगा नहीं सकता। जो गृहस्थ है कि वैष्णव हाँ संतान हाँ जन्म देने सकता, इसलिए इतना तक करने। अगर आदमी पत्नी को अगर सह गई हमारा भोग का वस्तु है तब तो नहीं जाने सकता, नहीं जाने। हमारा पत्नी को पत्नी में वो ऐसा समझना नहीं चाहिए, तो गृहस्थ दासली का नहीं तो गृह में जी। थोड़ा कठोर बात कर रहा है, थोड़ा बुरा मान राम तो सात बात बोलना चाहिए। तो ब्रह्मचारी है उसका भी लक्षण बता दिया, ये आठ लक्षण है ये शास्त्रों में लिखा है। ये कठिन है थोड़ा, अभी ऐसा जमाना आ गया ब्रह्मचर्य रक्षा करना बहुत कठिन है। कायन मनुषा वाचा ऐसा है मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य उपचक्षते, और क्या है ना कीर्तनम शरणम प्रेक्षणम केली गुज्जाक्षणम संकल्प अध्यावसाय और क्रिया ऐसा है निवृत्ति, ये आठ को कहा जाता ब्रह्मचर्य। ये आठ करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ब्रह्मचर्य किया उसके बाद गुरु का से सलाह लेके गृहस्थ आश्रम में घुस नहीं सकता, और ऐसे रह नहीं सकता ब्रह्मचर्य तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ नहीं सकता, पूरा जीवन ऐसा रह नहीं सकता। और गुरु बोले तो संन्यास ले नहीं सकता नहीं, जो कोई मोमेंट है पतन होने का संभावना है। ये कली युग है, बहुत कठिन है, गृहस्थ आश्रम स्वाभाविक है। लेकिन जो ठीक गृहस्थ है जो गृह में दिखाया जाता, ठीक ब्राह्मण नहीं है असली में, ब्राह्मण का जो गुण है वो सरल होना, सूची शुद्ध रहना, मन को शुद्ध रखना और शरीर को भी शुद्ध रखना, समो दमो इंद्रिय संयम मनस संयम कठिन है, दमो तपो शौचम ख्यांति आर्जवन ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जब ब्राह्मण का जिसका गुण है वही वैष्णव बने से, वही सन्नास बने से, तब वैष्णव है। वैष्णव के उत्तम वैष्णव है परमहंस। सन्यास का ये
जो है इसका भी है जो भक्त है उसमें एक कनिष्ठ अधिकार है जो जड़ों स्तर में है, भौतिक स्तर में है। इसे जो ऊंचा चला गया सदगुण के प्रभाव से और भगवत शुद्ध भक्त के संगत से, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता, न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभत। ये असली भक्ति इसका शुरू है, पराभक्ति सतत भक्ति। तो हमको ये सब विचार करना है, ऐसा तो हमारा दीक्षा हो गया है, ये सब रजिस्ट्रेशन है जिसका दीक्षा से मतलब दिव्य ज्ञान है और खाल पाप से निवृत्ति तो मुक्त हो जाता है। ये सब विचार का चीज है, हम क्या ब्राह्मण हुआ, हमारा ब्राह्मण का गुण है, हैं हम आगे बढ़ा तो इसलिए है वाच बेगम उदर बेगम उपस्थ बेगम हैं जीवा बेगम मनोबेगम क्रोधो बेगम, ये सबको समझत करने सकता भगवान का सेवा में लगा के तो आगे बढ़ने सकता भक्त। ये सब विचार का चीज है, इसलिए ये भजन का चीज है। ठीक से भगवान के सेवा में ये चीज़ लगा दे तो भक्त बन जाता आगे बढ़ने से। ये निष्कर्ष है, हम ज़्यादा कह नहीं सकता नहीं, गुरु महाराज जो बोला उनका तब लिखा है वही बता रहा। आप लोग जब इंडिया में जन्म लिया उसके लिए एक भारी दायित्व है, लेकिन आप ये संस्कृति में जन्म लिया इसलिए आपका तो ये सब चीज़ सुन गया आपका दादा से दादी से, तो अभी उसको याद करना चाहिए ठीक से, कोई गंभीरता से इसको शिक्षा को लेना चाहिए, तो आसानी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहाँ देखो जो इंडियन है अभी तक कोई कोई ये में आता नहीं हमारे, तो उसका उसका जीवन की तो किताब हो जाए तब भी ये नकल कर रहा, जो प्रगतिशील है जो भौतिक प्रगति किया जो सब देश उस आदमी को नकल कर रहा, ये बुद्धू है। ये लोग सब प्रगतिशील देश है भौतिक खेचों में वो इधर आ रहा है सीखने के लिए, हम लोग जा रहा है उधर नकल कर, ये शर्म का बात है। हमका उचित है हमारा शिक्षा प्रभुपाद जो दिया वो ले रहा ठीक से करना और वो सिखाना दूसरों, ये हमारा काम। अगर कोई योग्यता है विदेश में भी जाके सिखाने से दूसरा को तो आदमी ले लेगा, चाहे उसका उसका पता है ये वो जो वैदिक संस्कृति है वो बचपन से वो शिक्षा लिया तो ये भटक नहीं जाएगा आसानी से, इसमें विश्वास है। तो ये हमको गंभीरता से लेने का चीज़ है। ये गौर गोविंद वहाँ दिखाया बहुपात देखा है, आपको भी ये गंभीरता से लेना चाहिए, आप भी दूसरा को भक्त बनाने से। दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर, अच्छा ब्राह्मण जो है वही शिक्षा दे नहीं सकता, अच्छा संस्कृति सन्यासी है अच्छा भक्त है जो भजन अच्छा किया वही शिक्षा दे नहीं सकता, नहीं ले जाओ दूसरा कुछ आप शिक्षा दो प्रचार करो गीता किताब बांटो। आप बता के तो भक्त नहीं कह सकता, किताब बांटो किताब से कोई पढ़ के वो भी प्रचार है, अच्छा भजन नहीं किया किताब बांटिए तो उसे किताब पढ़ के प्रभुपाद का किताब पढ़ के भक्त बन जाएगा। और भजन करना आप प्रचार करें हरे कृष्ण, कोई 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 पूछना है आप कह नहीं सकता, हमारा जितना तक हम गुरु से सीखा वो आपको बताएगा, कृष्ण कथा का कोई शेष नहीं है, इधर उधर से बहुत चीज़ कह नहीं सकते, कहने का क्या जरूरत है, आप पढ़ लो प्रभुपाद जो बताया, जितना आदर्श प्रश्न है आदर्श जवाब उत्तर इसमें है, प्रभुपाद का किताब बहुत बोल गया बता दिया। हमारा किताब देखो आसान आदमी बोलेगा विश्वास मत करो, देख लो प्रभुपाद क्या कहा ठीक है ये ठीक बता रहा हाँ तो ठीक है, नहीं कहा उल्टा सीधा कर रहा मत सुनो, कलिजुग है ना हमको सुनना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, अरे 9:02 टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये कुछ नहीं है महाराज 3-4 घंटा हरी कथा कर वो ठीक है, बोल गोविंद 3-4 घंटा हरी कथा कर रहे अच्छा है। प्रभुपाद ऐसा कर दिया आधा घंटे क्योंकि उसको अच्छा लगेगा नहीं, तो बीमारी है नहीं तो बोला जाओ किताब बांट, लाइफ मेंबर बना
कम से कम कुछ तो करो। हाँ, हमको 16 माला कुछ नहीं है, कोई कहता लाखों माला करने से भगवान उसको सेवा लेता, तो वो बात क्या करेगा? कोई देश के लिए आदमी ऐसा कल्चर में नहीं बड़ा हुआ, इसके कारण ठीक है आधा करो, जब उसको आधा करो इससे कम तो नहीं करेगा, तो ठीक है। आप किताब नहीं बांटने देखता, अभी कीर्तन करो। हाँ, कीर्तन के लिए हरी कथा सुनो। हमारा काम है जो हमारा गोस्वामी है, निद्रा आहार विजित हो। हाँ, मंडलपति सदा तुच्छव, सब छोड़ दिया तो गोस्वामी ने, एक गोस्वामी का चरण उनका शिक्षा आपको अनुसरण करना चाहिए। इंडियन के लिए असुविस्तर नहीं, भोपाल जब आया कि बड़ा बिल्डिंग बनाता था मायापुर में, तो कोई एक आदमी आके पूछा, भोपाल आप इंडियन है अब साधु है, साधु का लिए इतना मुकाम का क्या जरूरत है? भोपाल देखो हम पेड़ का नीचे बैठ के, हम इंडियन है, साधु पेड़ का नीचे बैठ के फिर हम कर नहीं सकता। और एक 5-7 फीट जमीन चाहिए सोने के लिए, थोड़ा कपड़ा और क्या चाहिए, खाना दाल रोटी और थोड़ा कपड़ा, फिर नाम करो दूसरा के बोला आप भी हो नाम की। लेकिन हम ऐसा करेगा तो ठीक है इंडियन के लिए। ये महाराज भी ये दिखाया, एक कुटिया में था भगवान के लिए भव्य मंदिर बना, ये आदर्श है, ये गुरु, ये गोस्वामी का लाइन है। वो बात मुझे ऐसे ही कहा, लेकिन अगर विदेशी को ले आएगा वो देखेगा पेड़ का नीचे बच, नहीं नहीं उसके लिए कठिन है। तो इसलिए अगर मंदिर, ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया किसके लिए? उसके लिए बनाया। अगर वो आ जाएगा बहुत वो अच्छा ही है ना, कोई नहीं आता वो अच्छा है, हम अकेला बोलो वो तो अच्छा है, सारा दुनिया का आदमी भगवान चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ का नाम लेगा तो अच्छा है, तो इसलिए बनाया। इसलिए महाराज दिखा दिया, कुटिया में रहो गोस्वामी भगवान के लिए मंदिर बनाओ, गेस्ट हाउस बना दिया, पैसा वाला आदमी पैसा देगा तुम रहो ठीक है, तुम भी हरी कथा के सुनो। अगर हम भी इसमें आसक्त हो जाके फिर इधर आ जाओ, हरे कृष्ण करते रहो क्या। इसलिए बहुत रेस्टोरेंट बनाया तो हरिनाम नहीं करेगा, अच्छा खाने पसंद करता, बोला ये क्या है, अरे पुटिन साहब भी खाया वो बहुत पसंद किया, ये क्या है समोसा, ये क्या है गुलाब जाम बढ़िया है, ये क्या है खीर, और एक $2 प्लीज दे दिया, वो भी खुश इसका भी खुश, ये समोसा ये क्या है भाई इसमें क्या है, अदरक है आलू है। तो सेवा में मैं लगा नहीं सकता, जो गृहस्थ है हाँ, जो वैष्णव हाँ संतान हाँ जन्म देने सकता, इसलिए इतना तक करने। अगर आदमी पत्नी को अगर सह गई हमारा भोग का वस्तु है तब तो नहीं जाने सकता, नहीं जाने हमारा पत्नी को, पत्नी में वो ऐसा समझना नहीं चाहिए, तो गृहस्थ दार्शनिक है नहीं तो गृह में जी, थोड़ा कठोर बात कर रहा है थोड़ा बुरा मान रहा मान, तो सात बात बोलना चाहिए। तो ब्रह्मचारी है उसका भी लक्षण बता दिया, ये 8 लक्षण है ये शास्त्र में लिखा है, ये कठिन है थोड़ा, अभी ऐसा जमाना आ गया ब्रह्मचर्य जो रक्षा करना बहुत कठिन है, कायन और मनुषा बाचा ऐसा है हाँ, मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य पचक्षते, और क्या है ना कीर्तनम शरणम प्रेक्षणम केली गुज्जाक्षणम संकल्प अध्यावसाय और क्रिया ऐसा निवृत्ति, ये 8 को कहा जाता ब्रह्मचर्य। ये 8 करना बहुत मुश्किल है, अगर कोई ब्रह्मचर्य किया उसके बाद गुरु का से सलाह लेके गृहस्थ आश्रम में घुस नहीं सकता और ऐसे रह नहीं सकता ब्रह्मचर्य, तो बहुत अच्छा है आगे बढ़ नहीं सकता, पूरा जीवन ऐसा रह नहीं सकता, और गुरु बोले तो संन्यास ले नहीं सकता नहीं, जो कोई मोमेंट है पतन होने का संभावना है, ये कलि युग है बहुत कठिन है, गृहस्थ आश्रम स्वाभाविक है।
लेकिन जो ठीक गृहस्थ हैं तो गृहों में भी कहा जाता है, ठीक ब्राह्मण नहीं है असली में, ब्राह्मण का जो गुण है वो सरल होना, हाँ सूची शुद्ध रहना, मन को शुद्ध रखना और शरीर को भी शुद्ध रखना, समो दमो इंद्रिय संयम मनस संयम कठिन है, दमो तपो शौचम ख्यांति आर्जवन ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जब ब्राह्मण का जिसका गुण है वही वैष्णव बने से, वही सन्नास बने से, तब वैष्णव है, वैष्णव के उत्तम वैष्णव है परमहंस। सन्नास का ये, सन्नास का ये जो है इसका वे है जो भक्त है उसमें एक कनिष्ठ अधिकार है, जो जड़ो स्तर में है भौतिक स्तर में है, इससे जो ऊंचा चला गया सतगुण के प्रभाव से और भगवत शुद्ध भक्त के संगत से ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता, न सोचती न कांक्षती सम सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लवतम, ये असली भक्ति इसका शुरू है पराभक्ति सतह भक्ति। तो हमको ये सब विचार करना है, ऐसा तो हमारा दीक्षा हो गया है, ये सब रजिस्ट्रेशन है, जिसका दीक्षा से मतलब दिव्य ज्ञान है और खाल पाप से निवृत्ति तो मुक्त हो जाता है, ये सब विचार का चीज़ है। हम क्या ब्राह्मण हुआ, हमारा ब्राह्मण का गुण है, हैं हम आगे बढ़ा तो इसलिए है वाचो बेगम उदर बेगम उपस्थ बेगम हैं जीवा बेगम मनोबेगम क्रोधो बेगम, ये सबको समझत करने सकता भगवान का सेवा में लगा के तो आगे बढ़ने सकता भक्त, ये सब विचार का चीज़ है, इसलिए ये भजन का चीज़ है। ठीक से भगवान के सेवा में चीज़ लगा दे तो भक्त बन जाता आगे बढ़ने से, ये निष्कर्ष है, हम ज़्यादा कह नहीं सकता नहीं, गुरु महाराज जो बोला उनके तब लिखा है वही बता रहा। आप लोग जब इंडिया में जन्म लिया उसके लिए एक भारी दायित्व है, लेकिन आप ये संस्कृति में जन्म लिया इसलिए आपका तो ये सब चीज़ सुन गया आपका दादा से दादी से, तो अभी उसको याद करना चाहिए ठीक से, कोई गंभीरता से इसको शिक्षा को लेना चाहिए, तो आसानी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहाँ देखो जो इंडियन है अभी तक कोई कोई ये में आता नहीं हमारे, तो उसका उसका जीवन की तक किताब हो जाए तब भी ये नकल कर रहा, जो प्रगतिशील है जो भौतिक प्रगति किया जो सब देश उस आदमी को नकल कर रहा, ये बुद्धू है। ये लोग सब प्रगतिशील देश है भौतिक खेचों में वो इधर आ रहा सीखने के लिए, हम लोग जा रहा है उधर नकल कर, ये शर्म का बात है, हमका उचित है हमारा शिक्षा प्रभुपाद जो दिया वो ले रहा ठीक से करना और वो सिखाना दूसरे, ये हमारा काम। अगर कोई योग्यता है विदेश में भी जाके सिखाने से दूसरा को तो आदमी ले लेगा, चाहे उसका उसका पता है ये वो जो वैदिक संस्कृति है वो बचपन से वो शिक्षा लिया तो ये भटक नहीं जाएगा आसानी से, इसमें विश्वास है। तो ये हमको गंभीरता से लेने का चीज़ है, ये गौर गोविंद वहाँ दिखाया बहुपात दिखाए, आपको भी ये गंभीरता से लेना चाहिए, आप भी दूसरे को भक्त बनाने से। दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर, अच्छा ब्राह्मण जो है वही शिक्षा देने सकता, अच्छा संस्कृति सन्यासी है अच्छा भक्त है जो भजन अच्छा किया वही शिक्षा देने सकता, नहीं ले जाओ दूसरा कुछ आप शिक्षा दो प्रचार करो गीता किताब बांटो, आप बता के भक्त नहीं कह सकता, किताब बांटो किताब से कोई पढ़ के वो भी प्रचार है, अच्छा भजन नहीं किया किताब बांटिए तो उसे किताब पढ़ के प्रभुपाद का किताब पढ़ के भक्त बन जाएगा, और भजन करना है और प्रचार करें हरे कृष्ण, कोई 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 पूछना है आप कह नहीं सकता, हमारा जितना तक हम गुरु से सीखा वो आपको बताएगा, कृष्ण कथा का कोई शेष नहीं है, इधर उधर से बहुत चीज़ कह नहीं सकते, कहने का क्या जरूरत है, आप पढ़ लो प्रभुपाद जो बताया, जितना आदर्श प्रश्न है आदर्श जवाब उत्तर इसमें है, प्रभुपाद का किताब बोल गया बता दिया।
हमारा किताब देखो, आंसान आदमी बोलेगा विश्वास मत करो, देख लो प्रभुपाद क्या कहा, ठीक है ये ठीक बता रहा, हाँ ये ठीक है, नहीं कहा उल्टा सीधा कर रहा मत सुनो, कलयुग है नहीं, सुनना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। अरे 9:02 टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये कुछ नहीं है महाराज, 3-4 घंटा हरी कथा कर, वो ठीक है बोल बोल ना, 3-4 घंटा हरी कथा कर रहे, अच्छा है प्रभुपाद ऐसा कर दिया आधा घंटे, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा नहीं तो बीमारी है नहीं, तो बोला जाओ किताब बांट, लाइफ मेंबर बना, कम तो कम कुछ तो करो है, हमको 16 माला कुछ नहीं है, कोई कहता लाखों माला करने से भगवान उसको सेवा लेता, तो वो बात क्या करेगा, कोई देश के लिए आदमी ऐसा कल्चर में नहीं बड़ा हुआ, इसके कारण ठीक है आधा करो, जब उसको आधा करो इससे कम तो नहीं करेगा, तो ठीक है आप किताब नहीं बांटने देखता, अभी कीर्तन करो, हाँ कीर्तन के लिए हरी कथा सुनो, हमारा काम है जो हमारा गुस्सा में है निद्रा आहार विजित हो, हाँ मंडलपति सदा तुच्छ वर सब छोड़ दिया, तो गोस्वामी ने एक गोस्वामी का चरण उनका शिक्षा को अनुसरण करना था, ये इंडियन के लिए असुविस्तर नहीं, भोपाल जब आया कि बड़ा बिल्डिंग बनाता था मायापुर में, तो कोई एक आदमी आके पूछा भोपाल आप इंडियन है अब साधु है, साधु के लिए इतना मुकाम का क्या जरूरत है, भोपाल देखो हम पेड़ का नीचे बैठ के हम इंडियन हैं, साधु पेड़ का नीचे बैठ के फिर नाम कर नहीं सकता, और एक 5-7 फीट जमीन चाहिए सोने के लिए, थोड़ा कपड़ा और क्या चाहिए, खाना दाल रोटी और थोड़ा कपड़ा, फिर नाम करो दूसरा के बोला आप भी हो नाम कीजिए, लेकिन हम ऐसा करेगा तो ठीक है इंडियन के लिए, ये महाराज भी ये देखा है, ये कुटिया में था भगवान के लिए भव्य मंदिर बना, ये आदर्श है, ये गुरु ये गोस्वामी का लाइन है, वो बात मुझे ऐसे ही कहा, लेकिन अगर विदेशी को ले आएगा वो देखेगा पेड़ का नीचे बच नहीं नहीं उसके लिए कठिन है, तो इसलिए अगर मंदिर ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया किसके लिए, उसके लिए बनाया, अगर वो आ जाएगा बहुत कितना वो अच्छा ही है ना, कोई नहीं आता वो अच्छा है, हम अकेला बोलो वो तो अच्छा है, सारा दुनिया का आदमी भगवान चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ का नाम लेगा तो अच्छा है, तो इसलिए बनाया, इसलिए महाराज दिखा दिया कुटिया में रहो गोस्वामी भगवान के लिए मंदिर बनाओ, गेस्ट हाउस बना दिया, पैसा वाला आदमी पैसा देगा तुम रहो ठीक है, तुम भी हरी कथा के सुनो, अगर हम भी इसमें आसक्त हो जाके फिर इधर आ जाओ हरे कृष्ण करते रहो क्या, इसलिए बहुत रेस्टोरेंट बनाया तो हरिनाम नहीं करेगा, अच्छा खाने पसंद करता, बोला ये क्या है, अरे पुतिन साहब भी खाया वो बहुत पसंद किया, ये क्या है समोसा, ये क्या है गुलाब जामुन बढ़िया है, ये क्या है खीर, हाँ और एक $2 प्लीज दे दिया, वो भी खुश इसका भी खुश, ये समोसा ये क्या है अरे इसमें क्या है, अदरक है आलू है मटर है अदरक है हाँ पीनट है, अच्छा थोड़ा चाट ले लो, अरे ये तो बढ़िया है और एक $2 प्लीज, हाँ ये भी खुश इसका भी खुश, उसको पैसा दे के और किताब बांटेगा और किताब प्रिंटिंग करेगा समाज का भगवान का सेवा, तो इसका नहीं है समझ गया, आप जो ऐसा काट नहीं सकते उसको, अच्छा इधर आके हमारा सर ही नाम कीर्तन करो, थोड़ा पैसा नहीं है जब ठीक है संडे फीस्ट है खा लो पैसा लगेगा, नो पैसा ये खा लो, अच्छा है हाँ तो हर रोज आता सुनने के लिए, तो उसको बात कुछ फ्री प्रसाद देता वो खा लेता, धीरे धीरे कहता हम भी कहेगा हम भी हरे कृष्ण बनेगा, ठीक है तुम ये माला देता माला करो थोड़ा बर्तन धो लो, एक धोते धोते एक नहीं भक्त बन जाता, यही इसकोन है समझ गया, तो हर आदमी का आने का लिए इसका मौका देता, तुम तो गरीब पसंद है यही करो ठीक है, तुम तो अच्छा सेल्समैन है किताब बांटो पैसा मिलेगा, इतना किताब बढ़ेगा तो इतना मिलेगा ठीक है, तो धीरे धीरे भक्त बन जाता
हर एक आदमी का कुछ धंधा है तो इसका का पता है वो को ये धंधा को किस काम है भगवान का सेवा में लगा देता, ये पैसा ले आने बहुत एक्सपर्ट है इसके लगा दो तुम ले बड़ा मंदिर बनेगा, वो जाके प्रचार कर रहा अपने जेब में रखता नहीं, ते भक्त भगवान का सेवा लिए का जे न ते न प्रकार न मन कृष्ण निवेश है, भगवान का सेवा के लिए कर रहा ते भक्त है। होने से तो हरी कथा में इसको आसक्ति नहीं है, भगवान को सेवा तो कर रहा है तो फल मिलेगा भक्ति बन रहा है। लेकिन बहुत के यही अच्छा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम अंते नारायण स्थिति, अगर अच्छे से श्रवण करेगा तो कीर्तन भी कर नहीं सकता। प्रभुपाद के एकदम पूछा कोई प्रभुपाद आपका इतना गुरु भाई है, आपका गुरु के इतना शिष्य है, कैसे आप इतना अच्छा टीचर बना जब आप टीचिंग करने से इतना दुनिया भर आदमी हरिनाम कर रहा। बहुत फर्क यही है जब हम पहले जाता था बहुत सन्यासी आए ब्रह्मचर्य, हम तो सन्यासी नहीं, आदमी ने बहुत मान देता ब्रह्मचर्य हम गृहस्थ, तभी हम जाता था गुरु का सेवा करने के बातचीत किया हमको लग गया यही हमारा गुरु है। इनके भक्तों बनने के लिए गुरु को चुनना चाहिए, ये नहीं है चलेगी हे कौन ब्राह्मण लिख करेगा अदा हो जाओ, ये नहीं है, ये देखना चाहिए सुनना चाहिए तो हरि कथा देखना चाहिए शास्त्र में क्या लिखा है, कौन आपको भगवान के पास ले जाने से ये देखना चाहिए। तो प्रभुपाद को पूछा तो प्रभुपाद कहा हम व्यस्त है ठीक है, हम जब भी जाता हो जाके सुन रहा, कोई आदमी आया हमारा गुरु महाराज उसको हरि कथा सुना था, टाइम खाने का टाइम आ गया सब चला जाता है इधर उधर कोई काम नहीं, हम बैठ के रहता एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा गुरु महाराज बोलते ही रहता आदमी, हम भी सुनते ही रहता, अगर पूरा सब चीज़ कोई कोई चीज़ नहीं समझ नहीं सकता तो भी हम सुनता था, यही हमारा क्वालिफिकेशन था यही हमारा क्वालिफिकेशन। तो भगवान देख रहा इसका आग्रहशील है, लौलम में कम मूल्यम, जो आग्रहशील है ज़्यादा आग्रह है भगवान दिल में बैठ के देख रहा है इसका क्या आग्रह है, इसमें हमारा कथा सुन में आग्रह है तो भगवान उसको कृपा कर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंचारुरानि माया सर्वसचा हृदय सन्निविष्टो मत्तस्थिति, मैं याद करा देता हमको बात सुनने चाहता तो हम इसकी याद कर दे, मरने का टाइम अब कब मरने का टाइम आ जाए आपको कह नहीं सकता, अभी हम काल दोनों को मृत्यु संवाद हमारा पास आया महाराज ये गुजर गया हाँ, लेकिन वो भगवान का सेवा किया वो सदगति हो जाएगा, हम बोला उसको पास प्रभुपाद का गाना सुनाओ चिंता मणि प्रकर्ष सदमसु कल्प वृक्ष लक्ष चित जगत, भगवान का धाम का कहानी है वर्णन है कि महा हरिनाम ये सुनाते रहो प्रभुपाद का भजन तो अच्छा है। वो बेहूस है ऐसा, वो बेहूस होके भी अज्ञान हो गए बोल रहा है ये कोई हरिनाम कर रहा है हरे कृष्ण बोलते रहो, और एक भी सुना गुजर गया तो हमारा का टाइम आ जाएगा कोई नहीं कह नहीं सकता। अरे भगवान देखेगा ये आग्रहशील है भगवान याद करा देता, भगवान भुला भी देता, जो भगवान ने आग्रहशील है भगवान उसको याद करा देगा, भगवान कहा मत्तस्थिति मैं याद करा देता हूँ उसको शरण करा देता हाँ है हाँ, और भी भुला भी देता जो जिससे शाहरुख खान इमरान खान दूसरा चीज़ में विषय में आसक्त आग्रहशील है उसको ये वो चीज़ याद करा देगा उधर चला जाए, असुविधा है समझ में बहुत सरल है, सरल आदमी के लिए भक्ति सरल है सरल है, नहीं नहीं तो ये बहुत रहस्य है इसमें राजविद्या राजभूषम ये बहुत गोपनीय चीज़ है गुज्जर चीज़ है। लेकिन कोई संत शुद्ध भक्त है उनको सेवा करने से दिन दैन भाव से सेवा करने से वो सब पता है तो आशीर्वाद से सब हो जाता है। देखिए नारद मुनि का जिंदगी ऐसा था प्रभुपाद का ऐसा था हाँ, महाराज परीक्षित बचपन से ही भक्त का घर में जन्म लिया तो बचपन से सीख रहा, फिर शुद्ध भक्त को साथ भेंट हो गया तो जन्म सार्थक, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जन्म से ही भक्ति किया भक्त का घर में जन्म लिया और एक शुद्ध भक्त का साथ भेंट हो गया गुरु, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, शुद्ध भक्त जो होगा उसके लिए दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद बताया उनके जीवन में ऐसा हुआ महाराज परीक्षित हो गया पंच पांडव शुद्ध भक्त
कुंती देवी द्रौपदी, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर भक्त, अच्छा और बहुपात भी है, नारद मुनि देखिए तो ऐसे ही होना चाहिए। ये सब विचार का चीज़ है, ये सब इसलिए ये सब चर्चा करना चाहिए। ये है हरि का, इसमें अगर आसक्ति हो जाए तो ठीक है, भगवान के पास चला जाए। हरे कृष्ण। 9:20 है, हमारी योग्यता नहीं तो बहुपात जो बताया वही बताता, हम किसके विश्वास रखिए, बहुपात का बात में निश्चित बहुपात का कृपा प्राप्त करेगा। हम तो बहुपात का तोता है, जो बताया हम बता देता। हरे कृष्ण, भगवान आपको सबको कल्याण। हरे कृष्ण की जय, भक्तबिंद की जय।